दुनिया में जो मिलिट्री पे खर्चा करने का अमाउंट है वो 2 ट्रिलियन पार कर चुका है और ये पहली बार है। आइए देखते हैं कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है। अगर इस एक्सपेंस की बात करें तो ये 0.7% बढ़ चुका है 2021 से और ये अब 2113 बिलियन हो चुका है और ये 7वीं साल है जब लगातार ये इंक्रीज़ ही हुआ है। इसके अलावा अगर ग्लोबल जीडीपी का देखें तो 2.2% है डिफेंस पे जो खर्चा होता है पूरी दुनिया में और ये 2020 से घटा है जब ये 2.3% था। इसके बाद अगर टॉप 5 स्पेंडर देखें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और रसिया हैं जो टोटल 62% सिर्फ यही खर्चा करते हैं पूरी दुनिया में। इसमें 38% यूनाइटेड किंगडम का है जो टोटल अमाउंट है $801 बिलियन। इसके अलावा 14% आपका चाइना का है जो 293 बिलियन है। इसके बाद 3.2 यूनाइटेड किंगडम का है, 3.1 रशिया का है और इंडिया का 3.6 है जिसका टोटल अमाउंट 76.6 बिलियन है और पूरा वर्ल्ड $808 बिलियन खर्चा करता है। नेक्स्ट देखें कि यूएस किस पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है तो यूएस सबसे ज़्यादा 24% इंक्रीज़ हुआ है इसके मिलिट्री और डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और सबसे ज़्यादा खर्चा ये यूएस इसी पे कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे। इसके बाद अगर रशिया के देखें तो रशिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 2.9% बढ़ा है 2021 से, 67.9 बिलियन जो था पहले। और यूक्रेन मिलिट्री एक्सपेंडिचर का 72% बढ़ चुका है जब से क्रीमिया रशिया ने हथियाया है। इसके अलावा चाइना का देखें तो चाइना वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्पेंडर है दुनिया में, सेकेंड नंबर खर्चा करता है और इसका जो बजट है 4.7% बढ़ा है 2020 से और ये लगातार 27वें साल है जब उनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा है। इसके अलावा जैपनीज ने भी 1972 के बाद पहली बार इसे बढ़ाया है मिलिट्री एक्सपेंडिचर को अपने और ये 7.3% लास्ट ईयर से बढ़ा है। इसके अलावा इंडिया का बात करें तो इंडिया टोटल 76.6 बिलियन डिफेंस पे खर्चा करता है जो थर्ड हाईएस्ट है और इंडिया का जो मिलिट्री है वो 0.9% बढ़ा है 2020 से और 33% बढ़ा है 2012 से और 64% जो बजट है वो डोमेस्टिक अब इंडिया बजट दे रहा है अपने इंडस्ट्री को। इसके अलावा 8 यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं नेटो में वो 2% और मोर जीडीपी अपना खर्चा कर रही हैं आर्म्ड फोर्स पे 2021 में और 2022 में ऐसी कंट्री हैं डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड जो अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा चुकी हैं रसिया का इन्वेजन देखते हुए यूक्रेन पे। सबसे ज़्यादा जो जंप देखा गया है वो कतर के मिलिट्री एक्सपेंडिचर का है जिन्होंने 434% का जंप देखा है 2010 से लेकर 2021 में और ये 5th लार्जेस्ट स्पेंडर है मिडिल ईस्ट के कंट्री में। थैंक यू।